गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 4 स्वामी भक्त शेरू का अध्ययन करेंगे। स्वामी भक्त शेरू एक कहानी है और इस कहानी में एक शेरू नाम का कुत्ता है। वह अपने मालिक के प्रति कितना वफादार है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं स्वामी भक्त शेरू। स्वामी भक्त और वफादारी में सबसे पहले कुत्ते का ही नाम लिया जाता है। वाकई में कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यह एक वफादार व साहसी पशु होता है। इस पाठ में भी शेरू नामक कुत्ते के अपने मालिक के प्रति वफादारी की एक मिसाल प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत कहानी में जो शेरू नाम का कुत्ता है वह अपने मालिक के प्रति कितना स्वामी भक्त है और कितना वफादार है इसी के बारे में बताया गया है। राहुल अपने शहर का प्रसिद्ध व्यापारी था। राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो कैसा है, बहुत प्रसिद्ध व्यापारी था। वो कोई व्यापार करता था। आसपास के व्यापारियों में उसका बड़ी साख थी, यानी कि जो भी जितने भी व्यापारी थे आसपास उसमें राहुल का नाम आता था। उनके साथ रोजाना उसका लाखों का लेन देन और व्यापार होता था और जितने भी व्यापारी थे उन सब का राहुल से लेना देना था। ठीक है, व्यापार में ऐसा होता ही है कि मैं दे रही हूँ और मुझे काम पड़ रहा है तो मैं ले रही हूँ। सुखपूर्वक दिन बीत रहे थे और जो राहुल का काम था वह आराम से चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके दिन थे वो कैसे बीत रहे थे, सुखपूर्वक बीत रहे थे। शेरू राहुल का बड़ा स्वामी भक्त कुत्ता था। शेरू उसके कुत्ते का नाम है और जो शेरू है वो अपने मालिक का कैसा कुत्ता है, स्वामी भक्त कुत्ता है, यानी कि वह अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता था। वह मानो शेर ही था और वह कैसा था, जैसे कि एक शेर होता है एकदम साहसी। जो शेर कैसा होता है, साहसी होता है। तो जो शेरू था वह भी बहुत साहसी था, ऐसे लगता था जैसे कि वो शेर ही है। इसलिए राहुल उसे शेरू के नाम से पुकारता था। इसलिए क्योंकि वो शेर के जैसा था इसलिए राहुल ने उसका नाम शेरू रख दिया था। राहुल को देखते ही वह दुम हिलाते हुए उसके पैरों में लेट जाता था। जब भी शेरू राहुल को देखता, यदि राहुल घर में आता बाहर काम से जब लौटता था तो शेरू क्या करता, सबसे पहले राहुल के पैरों में जाकर लिपट जाता था। वह रात दिन अपने मालिक के पीछे छाया की तरह मंडराता रहता था। राहुल भी उसका बड़ा ध्यान रखता था। खुद भोजन करने से पहले उसके खाने पीने की पूछताछ करता था। जिस प्रकार शेरू अपने मालिक के लिए वफादार था उसी प्रकार राहुल भी शेरू का बड़ा ध्यान रखता था। अपने खाने से पहले वो क्या करता था, शेरू के लिए पूछता था कि शेरू को खाना खिला दिया है या नहीं खिलाया है। वह उसके खाने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करता था और शेरू के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें खाने के लिए देता था। एक दिन भाग्य ने पलटा खाया। सुबह उठते ही राहुल को यह समाचार मिला कि उसका सामान से भरा ट्रक रास्ते में पुल टूटा होने के कारण नदी में गिर पड़ा। अब जो आगे की कहानी है वह कुछ अलग ही है, क्योंकि अभी तक तो राहुल का जो टाइम था वह अच्छा चल रहा था। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है, जब राहुल सुबह उठता है तो उसको एक समाचार मिलता है और बताया जाता है कि उसका सामान से भरा हुआ जो ट्रक था वह क्या हुआ, नदी पर पुल था वह टूटा हुआ था, इसके कारण उसका जो ट्रक था वह नदी में गिर जाता है। ट्रक में लाखों रुपए का माल था। समाचार सुनते ही वह सक पका गया। जब राहुल को पता चला कि उसका ट्रक नदी में गिर गया है और लाखों रुपए का नुकसान हो गया है तो राहुल कैसा हो गया, वो सक पका गया। उसे सबसे अधिक चिंता उन व्यापारियों को माल देने की थी जिनसे पैसा पहले आ चुका था। कोई भी व्यापारी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, यदि नुकसान होता है तो ये सबसे एक टेंशन की बात होती है, क्योंकि व्यापार में क्या होता है, लेना देना चलता रहता है। मेरे पास नहीं है, मैं दूसरे से लूँगा, यदि उसके पास नहीं है तो वह मुझसे ले लेगा। अब राहुल को चिंता हो गई कि अब मैं माल जिन लोगों को देना था उनसे पहले उसने एडवांस ले रखा था तो वह माल की जगह उनको क्या देगा। उसी दिन शाम को राहुल अपने मित्र सेठ करोड़ी मल के पास पहुंचा। शेरू भी साथ था। राहुल ने करोड़ी मल को सारी घटना कह सुनाई और मदद के लिए अनुरोध किया।
राहुल का एक दोस्त था सेठ करोड़ीमल, उसके पास भी पैसा अच्छा था। जब राहुल का ट्रक नदी में गिर जाता है तो उसको जो व्यापारी थे जिनसे पैसा ले रखा था एडवांस में, उनको पैसा लौटाना था। तो वह अपने मित्र के पास जाता है और साथ में उसके शेरू भी होता है। वह करोड़ीमल को सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। सेठ करोड़ीमल को पता था कि राहुल एक सज्जन व्यक्ति है और दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, किंतु रुपयों पैसों के मामले में सेठ जी दूसरों पर कम भरोसा करते थे। जब राहुल ने सेठ जी को बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो सेठ जी ने उसकी बात को समझा कि व्यापार में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेठ जी का जो स्वभाव था वो इस प्रकार से था कि वह रुपये पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करते थे, जबकि वह जानते थे कि राहुल एक सज्जन व्यक्ति है। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, भाई राहुल बाबू, तुम्हें मालूम है कि रुपये पैसे का मामला है, मैं तुम्हारे कहे का विश्वास करता हूँ, फिर भी तुम कुछ चीज़ मेरे पास गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें रुपये दे सकता हूँ। राहुल ने बात बताई, सेठ जी को विश्वास, रुपये पैसे के मामले में विश्वास नहीं करते थे वो, तो राहुल को कहते कि भाई रुपये पैसे का मामला है, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ और घटना तो किसी के साथ भी घटित हो सकती है, किंतु मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, पैसे के बदले में तुमको कुछ चीज़ मेरे पास गिरवी रखनी होगी। सेठ जी ने शेरू की स्वामी भक्ति और दिलेरी के किस्से सुन रखे थे, वे उसके गुणों से परिचित थे। सेठ जी ने राहुल की स्थिति देखकर कहा, और कुछ नहीं तो इस शेरू को ही मेरे पास छोड़ जाइए, रुपए आने पर इसे ले जाइएगा। जब सारी चीज़ें चल रही थी कि तुम कुछ चीज़ मेरे पास गिरवी में रख दो, तो राहुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन सेठ जी कहते हैं ऐसा करो, जो तुम्हारा यह शेरू है इसे मेरे पास छोड़ दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो इसको ले जाना, क्योंकि सेठ जी को राहुल का कुत्ता शेरू था उसकी बहादुरी और दिलेरी की किस्से उन्होंने सुन रखे थे। राहुल सोच में पड़ गया, वह बहुत उदास हो गया। विवश होकर दुखी मन से उसने सेठ जी की बात स्वीकार कर ली, क्योंकि राहुल का जो कुत्ता था शेरू वह उसका वफादार था। ठीक है, अब जब सेठ जी ने बात कही कि भाई ये कुत्ता मुझे छोड़ जाओ और तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो ले जाना, तो राहुल होता है इस बात को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उदास हो जाता है कि मैं इसको कैसे छोड़ूं, लेकिन करता भी क्या, उसके आगे कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। दुखी होकर उसने सेठ जी की बात स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मैं शेरू को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। उसने शेरू की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, शेरू तुम्हें कुछ दिन सेठ जी के पास रहकर इनकी सेवा करनी है, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा। शेरू कू कू करते हुए उसके पैरों से लिपट गया। सेठ जी को हाँ भर देता है कि ठीक है, मैं शेरू को छोड़ देता हूँ। तो जाने से पहले राहुल शेरू के पीठ पर हाथ फेरते और प्यार करते हैं उसको और कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिन सेठ जी के पास रहना पड़ेगा, तो तुम अच्छे से रहना और कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। जब प्यार से उसको सहला रहा था और वो जा रहा था, तो शेरू क्या करता है, जैसे छोटा बच्चा तो कू 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 की आवाज़ करता है, इस तरीके से करते हुए उसके पैरों में लिपट जाता है। राहुल वापस घर लौटकर चुपचाप लेट गया। उसने सारे दिन कुछ ना खाया ना पिया। शेरू के बिना उसे सारा घर सुना लग रहा था, उसकी आवाज़ से सारा घर गूंज जाता था। सारी रात करवटें बदलती बीती। उसकी एक ही चिंता थी, जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर सेठ करोड़ीमल का कर्जा चुका दे और शेरू को वापस घर ले आए। अब सिर्फ राहुल शेरू को छोड़कर तो आ गया, किंतु उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि वो जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा करे और सेठ जी को वापस लौटा दे और अपना शेरू वापस लेकर आए। दूसरी ओर शेरू को सेठ जी के यहाँ हर तरह की सुख सुविधा थी, पर वह भी अपने मालिक के लिए बेचैन था। फिर सेठ जी की सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखता था, मानो राहुल के कहे का पालन कर रहा हो। सेठ जी के यहाँ पर भी शेरू को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, सारी सुख सुविधाएं शेरू के लिए थी, लेकिन अपने मालिक के लिए वह भी बेचैन था। उसके जैसे राहुल के मन में चल रहा था कि शेरू को वापस लेके आना है,
उसी प्रकार शेरू को भी लग रहा था कि वह भी अपने मालिक के पास जाए, लेकिन जो शेरू था वह सेठ जी का पूरा ध्यान रख रहा था, क्योंकि जो राहुल कह के गए था कि तुझे कैसे रहना है यहाँ पर, तो जैसे कि वो उन्हीं चीज़ों का पालन कर रहा हो। एक दिन की बात है, रात अंधेरी थी, जब ये अब आगे की जो घटना है वह उस टाइम की बात है, सर्दियों में, और रात कैसी थी, अंधेरी थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सेठ करोड़ीमल की कोठी में कुछ चोर घुस गए। चोरों के पास पिस्तौलें थीं। हथियार देखकर शेरू कुछ ठिठका और पलंग के नीचे छिपकर सब कुछ देखता रहा। चोरों ने सेठ जी की सभी तिजोरियां खाली कर डाली और सारा धन एक पोटली में बांधकर वहां से रफू चक्कर हो गए। सर्दियों में होता है कि सब लोग अंदर सोते हैं, ठीक है, और ठंड पड़ती है तो कोई बाहर नहीं निकलता, तो चोरों को उस टाइम चोरी करने का मौका मिल जाता है। तो एक दिन कुछ चोर सेठ जी के कोठी में घुस जाते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, हथियार जैसे पिस्तौल वगैरह थी। तो शेरू उन पिस्तौल वगैरह को देखता है तो वह डर के मारे क्या करता है, पलंग के नीचे छिप जाता है और वो चोरों को देखता रहता है कि चोर क्या कर रहे हैं। तो चोर क्या करते हैं, तिजोरी से सारा माल निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। शेरू भी चुपके से उनके पीछे लग गया। चोर एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उन्होंने पोटली उसमें दबा दी और सभी तितर बितर हो गए। शेरू सीधा घर की ओर दौड़ पड़ा। अब जब चोर वहाँ से निकल जाते हैं तो शेरू भी चुपचाप से उनके पीछे हो जाता है। चोर क्या करते हैं, आगे जाने पर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं और जो पोटली होती है धन की उसको उसमें गाड़ देते हैं और चारों दिशाओं में वो चोर तितर बितर हो जाते हैं, मतलब इधर उधर चले जाते हैं। शेरू इस सारी चीज़ों को देख लेता है कि चोरों ने धन कहाँ पर छिपा कर रखा है। अब उसके बाद शेरू क्या करता है, वो शेरू सीधा घर की तरफ भागता है। सवेरा होने पर जब सेठ जी जागे तो तिजोरियां खुली देखकर उनके होश उड़ गए। सवेरा हुआ, ठीक है, सब लोग जागते हैं। सेठ जी ने देखा कि उनकी तिजोरियां के ताले टूटे पड़े हैं और तिजोरियों में कुछ नहीं है, तो सेठ जी के होश उड़ जाते हैं। कोठी में रोना पीटना मच गया। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सेठ करोड़ीमल एक ही रात में कंगाल हो गया। जिसे भी पता लगता वही अफसोस करता। उसी समय शेरू दौड़ता हुआ आया और सेठ जी का कुर्ता मुंह में दबाकर दरवाजे की ओर खींचने लगा। जब सेठ जी ने अपनी तिजोरी देखी कि उसमें से सब कुछ चला गया है, रोना पीटना शुरू हो गया कि रुपए पैसे जाना बहुत बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि रुपए पैसे से ही अपना जीवन चलता है। आस पड़ोसी भी सुनते हैं, वो भी आ जाते हैं और सब लोग कहने लगे कि सेठ करोड़ीमल एक ही दिन में कंगाल हो गया। अब वो क्या हुआ, शेरू उसी समय दौड़ता हुआ आता है और सेठ करोड़ीमल के कुर्ते को खींचकर दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। सेठ जी शेरू का इशारा समझकर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। कई और आदमी भी उनके साथ हो जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच गए। शेरू पैरों से उस पेड़ की मिट्टी नीचे, जो पेड़ के नीचे की मिट्टी थी उसको पैरों से खोदने लगता है। सेठ जी ने मिट्टी हटाकर देखा तो एक पोटली निकली। जब शेरू कुर्ता पहनकर सेठ जी का ले जाता है तो कुछ और लोग भी साथ में हो जाते हैं, और कुछ दूर जाने पर क्या होता है, वो रुक जाते हैं एक पेड़ के नीचे और शेरू अपने पंजों से क्या करता है, मिट्टी को खोदने लगता है। शेरू को मिट्टी खोदते हुए सेठ जी में हाथों से मिट्टी खोदने लगते हैं तो देखते हैं कि उसमें से एक पोटली निकलती है। उसमें सेठ जी का सारा धन बंधा हुआ था। सेठ जी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने शेरू को बाहों में भर लिया और कहा, शेरू तेरे कारण आज मैं लूटने से बच गया। जब धन की पोटली बाहर आ जाती है तो सेठ जी बहुत खुश होते हैं और शेरू को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि शेरू आज मैं जो कंगाल हो गया था, आज मैं कंगाल होने से तेरी वजह से ही बचा हूँ। घर लौटकर सेठ करोड़ीमल ने राहुल को एक चिट्ठी लिखी। भाई राहुल, शेरू ने तुम्हारा कर्जा चुका दिया है। मैं इसे अपने से दूर तो नहीं करना चाहता, किंतु यह तुम्हारी अमानत है, इसलिए इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इस चिट्ठी को सेठ जी ने शेरू के गले में बांध दिया और उसे राहुल के पास जाने का संकेत किया। शेरू समझ गया और दौड़कर अपने मालिक के घर की ओर चल दिया। जब सेठ जी को सारा धन मिल जाता है तो वह शेरू को शुक्रिया अदा करते हैं कि शेरू ये तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो सेठ जी एक चिट्ठी लिखते हैं किसके, राहुल के लिए, कि आज जो तुमने उससे कर्जा लिया था वह तुम्हारे शेरू ने चुका दिया है,
वैसे तो मैं शेरू को अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन यह क्या है, तुम्हारी अमानत है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। और वह चिट्ठी उसके शेरू के गले में लटका देते हैं और शेरू को वहाँ से भेज देते हैं। शेरू सारा समझ जाता है और अपने मालिक राहुल के घर की तरफ चल देता है। शेरू को अपने घर आता देख राहुल गुस्से से भर गया। जब राहुल ने देखा कि शेरू उसके घर की तरफ आ रहा है तो वह गुस्से में भर जाता है कि मैं उसको वहाँ छोड़ के आया हूँ, फिर भी ये यहाँ पर आ गया। उसने सोचा ये सेठ जी के यहाँ से भागकर आया है, अब सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जैसे ही शेरू दौड़कर उसके पास आया, उसने पास रखी एक लाठी से उस पर वार कर दिया। बेचारा शेरू निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। राहुल को गुस्सा आया कि ये सेठ जी के घर से भागकर आ गया है, अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि सेठ जी से कर्जा ले रखा था और शेरू को वहां पर गिर भी रखा था। तो राहुल गुस्से में था तो उसने पास में रखी एक लाठी थी उससे शेरू पर वार करता है, तो शेरू जैसे ही डंडे से उसके लगती है तो वहीं पर निढाल होकर वह गिर जाता है। शेरू को उसके गले में बंधी चिट्ठी हवा में हिल रही थी। अचानक राहुल की निगाह उस पर उस चिट्ठी पर पड़ती है। जब शेरू वहाँ गिर जाता है निढाल होकर तो एक चिट्ठी दिखती है उसके गले में, तो राहुल उसको पढ़ता है और को पढ़ते ही वह सब कुछ समझ गया और उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। उसने शेरू को गोद में उठा लिया और सिसकियां भरकर रोने लगा। वह अपने किए पर बहुत पछताया। राहुल ने शेरू की बहुत देखभाल की जिससे वह जल्दी ही ठीक हो गया। अब राहुल उसे पहले से भी अधिक प्यार करने लगा। जब राहुल शेरू को डंडे से मारते हैं उसके बाद उसे चिट्ठी दिखाई देती है और जैसे ही वह चिट्ठी पढ़ता है उसके सामने सारी कहानी उसको समझ में आ जाती है कि शेरू उसके पास क्यों आया है। तो राहुल को अपने किए पर पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया, अनजाने में मुझसे कौन सी गलती हो गई। तो वह राहुल को उठा लेता है और वाहों में भर लेता है कि कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अब और कुछ ही दिनों में उसकी अच्छे से देखभाल करता है और कुछ दिनों के बाद जो शेरू होता है उसकी तबीयत अच्छे से ठीक हो जाती है। उसके बाद राहुल क्या हुआ, जितना प्यार पहले करता था वह उसे और भी अधिक प्यार करने लग गया। तो देखा बच्चों किस तरीके से शेरू ने अपने मालिक के जो कहना था किस तरीके से माना, मालिक ने दूसरे मालिक के यहाँ छोड़ दिया तो उसका भी उसने किस तरीके से वफादारी निभाई। तो देखा एक जानवर में भी वफादारी, स्वामी भक्ति ये सारे गुण होते हैं, आखिर हम तो इंसान हैं। तो बच्चों अब शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। प्रबंध करना, व्यवस्था करना यानी कि अरेंजमेंट, रफू चक्कर होना, भाग जाना, टू शो अ क्लियर पेयर ऑफ हील्स, इशारा, संकेत, इंडिकेशंस, भरोसा, विश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, तितर वितर होना, इधर उधर चले जाना, टू एंड फ्रॉम, निढाल, गिरा गिरा सा। ठीक है तो बच्चों ये हो गया आपका शब्दार्थ। अब आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आएगा, उसको आपकी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है, साथ के साथ उसको याद भी करना है। तो बच्चों घर पर रहकर अपना अच्छे से ध्यान रहो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।